दिस इज कौशल नसीम और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा क्यूट और अडोरेबल होने वाली है बिकॉज मैं इसमें बहुत ही क्यूट से एनिमल पेंट करने वाली हूँ इस स्टोन पे। मैंने ये स्टोन लिया है जो कि थोड़ा सा स्मूथ है ऊपर से, सो मैंने सोचा कि इसमें अच्छे से पेंट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक और चैलेंज ये भी है कि मैं इसमें पोस्टर कलर का यूज करूंगी, सो आप चाहे तो एक्रेलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं। आई नो कि पोस्टर कलर इस पे आएगा या नहीं, वही तो चैलेंज है कि ये किस तरह से टर्न आउट होता है। आप चाहे तो ऑफकोर्स एक्रेलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं और आप आपकी पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निश का भी यूज कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि मैं क्या पेंट करने वाली हूँ, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक पैंडा, जिसके लिए मैंने ये स्टोन लिया है जो इस तरह से दिखता है। इसका सामने का सरफेस थोड़ा स्मूथ है और इसका शेप थोड़ा ओवल है, सो मुझे लगा कि ये पैंडा के लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। सो एज एन चैलेंज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पोस्टर कलर विद दीज ब्रशेस और ये मैं ले रही हूँ 4B की पेंसिल जिससे मैं इस पे ड्रॉ करने वाली हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग नाउ विद द बेसिक शेप, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर के लिए एक आउटलाइन बनाई है, अभी यहाँ पर मैं उसका हैंड बना रही हूँ। मैंने इसके लिए आईज, नोज और ईयर्स भी बना लिए है। अभी मैं यहाँ पर उसकी बेली ड्रॉ कर रही हूँ जो कि बहुत सिंपल है, बस ओवल शेप में मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। अब बारी है कुछ डिटेलिंग की, जैसे इसकी आईज में डिटेलिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ और यहाँ पर हमारा स्केच होता है पूरा रेडी। अब हम चलते हैं इसके कलरिंग की तरफ। हियर आई एम यूजिंग ब्लैक कलर, वाइट कलर और इसके साथ मैं रेड कलर का भी यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे इसमें डिटेलिंग के लिए ये काम आएगा। उसके साथ ये फाइन ब्रशेस एंड यहाँ पर मैं इसको वाइट कलर से सबसे पहले कलर कर रही हूँ जो भी वाइट पार्ट है, जैसे इसका हेड, और उसके बाद मैं वाइट से इसकी बेली भी पेंट करूँगी। आफ्टर दैट आता है इसका बाकी का बॉडी पार्ट जो कि हम ब्लैक कलर से करने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से पूरा ब्लैक कलर से कलर कर लूंगी। और अब बारी है कुछ डिटेलिंग ऐड करने की, सो मैं यहाँ पे एक फाइन ब्रश से इसकी नोज, ईयर्स और आंखों के आसपास का जो ब्लैक एरिया होता है उसको भी ऐसे ही कलर कर लूंगी। थोड़ा सा ब्लश ऐड कर रही हूँ उसकी चीक्स पे, जो मैंने रेड कलर यूज किया था तो वही मैंने रेड को और वाइट के साथ मिक्स करके थोड़ा सा पिंक शेड किया है। और यहाँ पर अब मैं और ज़्यादा डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैं उसका बना रही हूँ फर। सो वाइट ही कलर से मैं आँखों में भी थोड़ा सा हाईलाइट ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रे कलर जो कि थोड़ी सी डेप्थ दिखाएंगा इसके बॉडी में, और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ पूरी बॉडी पे। नोज पे भी थोड़ी सी हाईलाइट एंड नाउ हमारा जो ये पैंडा है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई नो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत इजी भी है और बहुत सिंपल भी है। नाउ आई एम मूविंग टू आर नेक्स्ट एनिमल, जिसके लिए मैंने ये बहुत ही राउंड शेप वाला स्टोन लिया है जो पीछे से थोड़ा सा रफ है, लेकिन मैं इसकी स्मूथ साइड यूज़ करने वाली जो थोड़ी फ्लैट भी है। तो इसकी स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्कल शेप का यूज़ कर रही हूँ उसके सर के लिए, उसकी बॉडी के लिए। सो मुझे इससे ये पता लगेगा कि उसका हेड और बॉडी कहाँ पर है। एक आउटलाइन या बोल सकते हैं कि गाइडलाइन में ड्रॉ कर रही हूँ सबसे पहले आइस के लिए, फोरहेड के लिए। सो मैं जल्दी से इसके बाकी के 9 टेल्स भी बना लेती हूँ। ये फाइनल स्केच नहीं है, ये बस एक रफ स्केच है ये देखने के लिए कि कौन सी बॉडी पार्ट कहाँ पर आएंगे। और इसके बाद मैं इसके ऊपर फाइनल स्केच कर लूँगी जो कि हमारा कलरिंग में हेल्प करेगा। फाइनल स्केच के बाद अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग द कलरिंग। सबसे पहले अगेन मैं लाइटर शेड यूज़ करूँगी हमेशा, सो मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर और जितने भी इसके बॉडी के वाइट पार्ट है वहाँ पर मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट कलर मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ऑरेंज और मैं ऑलमोस्ट हर जगह पे लाइट ऑरेंज कर लूँगी उसकी पूरी बॉडी पे। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ उससे थोड़ा एक शेड डार्क ऑरेंज जो कि मैं थोड़ा एक शेडो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, डेप्थ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं ले रही हूँ यहाँ पर ब्राउन कलर, इस ब्राउन कलर में भी मैंने थोड़ा सा ऑरेंज को मिक्स किया है ताकि ये ज़्यादा ही यू नो ब्राउन ना दिखे। हमारा बेस कलर पूरा रेडी है। नाउ आई एम डूइंग आउटलाइन जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है, इससे बहुत ज़्यादा ही अच्छी डिटेलिंग दिख कर आती है। और इसी तरह से मैं सारी आउटलाइन सारी डिटेलिंग कंप्लीट कर लूँगी।
और ये हमारा नेक्स्ट क्यूट सा नाइनटेल फॉक्स भी रेडी है। नाउ आई एम मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट एनिमल, जिसके लिए मैं ये छोटा राउंड शेप का स्टोन यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मीन्स ये दोनों साइड से काफ़ी स्मूथ था, पर मैंने फ्लैट सरफेस लिया उसके बेस के लिए, बिकॉज मैं इसको थोड़े अलग एंगल में ड्रॉ करने वाली हूँ। सो स्टार्ट कर रही हूँ इसकी स्केचिंग। पहले एक मैंने सर्कल बना लिया और फिर इस स्टोन को मैंने हाफ में डिवाइड कर लिया इस तरह से। अब मैं साइड में ओवल शेप ड्रॉ कर रही हूँ, ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ उसके शेल के लिए। ये डिटेलिंग बहुत ही सिंपल है और मैंने ज़्यादा इसमें कुछ इतना ऐड नहीं किया, ये बहुत बेसिक और सिंपल है। आप चाहे तो जो भी, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करनी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। रफ स्केच होने के बाद अब मैं फाइनल स्केच कर रही हूँ, जहाँ पर मैं उसका हेड का शेप अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ, और उसके बाद में ऊपर के जो डिटेलिंग है उसको भी मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। नाउ आई एम यूजिंग द ग्रीन कलर उसके फेस के लिए और आगे के फीट के लिए, और ऊपर मैं थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि शेल जो है वो ज़्यादा अच्छे दिखे उसका। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं थोड़ी सी मार्किंग छोड़ रही हूँ ताकि जब मैं उसकी आउटलाइन करूँ तो मुझे पता लगे कि लाइंस कहाँ पर है, वरना कलर की वजह से वो लाइन छुप रही थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी गैप है इन डिज़ाइंस के बीच में। सो ये बहुत आपको हेल्प करेंगी, आपके जो आउटलाइन है वो मिटने नहीं देंगी। मीन्स आपको एक गाइडलाइन पता ही तो लग जाएगा कि कहाँ पर है। नाउ आई एम एडिंग मोर डिटेलिंग, जैसे जो गैप थी उसमें मैं थोड़ा लाइटर ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली मैंने ग्रीन के अंदर बस येल्लो को मिक्स किया है, ज़्यादा येल्लो मिक्स किया है थोड़ा सा, ताकि ये लाइट कलर हो जाए। आइस में भी अभी मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ, बेसिक वाइट कर रही हूँ, और यहाँ पर उसके शेल पे भी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। इसमें कोई रूल नहीं है, आपको जैसी चाहिए वैसी डिज़ाइन आप ऐड कर सकते हैं। फाइनल सारी डिज़ाइन होने के बाद मैं यहाँ पे अगेन आउटलाइन कर रही हूँ विद ब्लैक मार्कर। ये पेंटिंग ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए, और थोड़ी मैं डिटेलिंग कर रही हूँ एक रफ टेक्सचर दिखाने के लिए। उसके बाद मैंने उसका माउथ बना लिया और उसकी आइज़ भी कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पर अब मैं जल्दी से इसकी पूरी आउटलाइन करती हूँ। सो यहाँ पर बस मैंने सिंपली ब्लैक मार्कर से जहाँ मुझे लगता है आउटलाइनिंग की ज़रूरत है वहाँ हर जगह पे मैंने आउटलाइन की है। और ये हमारा क्यूट सा लिटिल टर्टल रेडी है। आई होप कि आपको ये बहुत क्यूट लगा हो। आई नो ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, स्पेशली दिस पैंडा। ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि पोस्टर कलर से इतना अच्छा पेंट हो सकता है। मतलब इसका पिगमेंट देखिए आप, बिल्कुल भी फेंट नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छे से टर्न आउट हुआ है। ऑफ कोर्स मैं इसको अपने इधर डेकोरेट करने वाली हूँ, बिकॉज इट्स लुकिंग सो क्यूट एंड अडोरेबल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको इसमें से कौन सा स्टोन बहुत अच्छा लगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।